उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में कक्षा 12वीं की एक छात्रा की मौत, आत्महत्या और हत्या के बीच फंस गई है। परिवार वालों ने बिना पुलिस को जानकारी दिए अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, जिस पर ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता से अधजली हालत में छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना मझौला थाना इलाके के चौहानों वाली मिलक गाँव की है। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के चौहान वाली मिलक में रहने वाले पीतल फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कपिल कुमार की बेटी संजना ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता से अधजली हालत में छात्रा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में छात्रा के पिता कपिल कुमार के खिलाफ छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने व शव को जलाकर सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी कपिल कुमार मौके से फरार हो गया है। छात्रा के भाई शिवांग के मुताबिक संजना डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, इसीलिए उसके पिता ने उसे डांट दिया था। संजना की मां प्रीति के मुताबिक उसकी बेटी ने सल्फास खाकर जान दे दी है। आपकी बेटी का क्या नाम है? संजना कुमारी। क्या हुआ है, कैसे हुआ? हमें नहीं मालूम। कब की बात है? बीती रात। क्या देखा आपने? कुछ डांट वाट दिया था आपने आपके पति ने किसी बात पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं आने जाने को लेकर डांटा हुआ था? पढ़ाई उड़ाई को लेकर डांटा ही नहीं था। अभी इसने एडमिशन लिया था कहीं किसी स्कूल में? हाँ, एडमिशन कराने गई थी कल में, तो साइबर केबल पर भी निकला था। 12वीं तो उसने इसी साल करी है ना? आपके पति क्या करते हैं? काम करते हैं जी। काम। फीस के पैसे वैसे दिए थे आपने उसे? जब आपने रात 1:30 बजे देखा इसे खाली असल पास, फिर आपने पुलिस को नहीं बताया? हम अस्पताल ले गए थे। कहाँ? इसमें ऐसी मिलाई। अच्छा, रात 1:30 बजे। तो फिर वहाँ क्या बताया? उन्होंने पकड़ा नहीं था, कहा पोस्टमार्टम होगा, खत्म होगी। मैंने कहा एक गोली तो दे मेरे बाप। उन्होंने कहा तुम ले जाओगी ना, फिर सेवा लेने के लिए खत्म होगी, तुम क्या ले जाओ। फिर आपने पुलिस को नहीं बताया? नहीं, हमने अपने गांव में बताया था एक आदमी को। लड़की को जलाकर जो मारने की बात सामने आ रही है, क्या है वो पूरा मामला, क्या निकल कर आया? ये थाना मझौला क्षेत्र अंतर्गत चौहानों का मिलक गांव पड़ता है। वहां पे एक संदिग्ध अवस्था में लड़की के मृत्यु होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची, वहां पे एक लड़की का जला हुआ शब्द बरामद हुआ। तुरंत एफएसएल टीम को बुलाया गया और उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। वहाँ पे तफ्तीश करने पे जो जानकारी सामने आई है कि जो लड़की का पिता था कपिल कुमार, उसने रात को अपने सगे संबंधियों को फ़ोन करके बताया था कि मेरी लड़की ने जहर खा लिया है और ऐसी बात हो गई है। तो जब जगह संबंधी जो लोग मौके पे जो पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वो अपनी लड़की को जो उसके शव को मिट्टी के तेल से जला रहा था, तो उन्होंने आपत्ति करी, तो उसका पिता मौके से फरार हो गया और इन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो लड़की के जो सगे संबंधी है, उन्होंने लड़की के पिता पर आरोप लगाए हैं। इन सब तथ्यों पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और तथ्यों के आधार पर जल्दी कार्रवाई फोन करी जाएगी। हाँ, मौके से जो लड़की के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने पिता पे कुछ आरोप लगाए हैं कि वो मतलब जो पढ़ना चाहती थी या जो अन्य जो काम करती थी, उसमें उसके पिता द्वारा कई बार टोकाटाकी की जाती थी। और पिछले दिन उनके बीच में उसका जो फॉर्म भरना था कॉलेज को लेकर, उसको भी लेकर कुछ तो नहीं हुई थी। सर, कहा जाए कि पढ़ाई को लेकर जो उसे कोर्स करना था, उसकी वजह से इसमें इस तरह का कदम उठा। उसमें जो सुसाइड नोट में इस तरह की कुछ बातें लिखी गई हैं, जो मौके पे जो सगे संबंधी है उन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि लड़की जो मोबाइल यूज़ करती थी और जो पढ़ाई करती थी, उसे के पिता उसमें कई बार आपत्ति करते थे। और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और भी जो इसमें तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर पूरी कार्रवाई करी जाएगी।